अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ स्केच आईलाइनर। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और आपको मुश्किल आती है आईलाइनर लगाने में, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए एक स्केच आईलाइनर के साथ। सो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का एंड अफोर्डेबल प्राइस का आईलाइनर। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल ही न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। एंड फ्रेंड्स, मैंने मेरी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक लिक्विड आईलाइनर का भी रिव्यू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ वो भी वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो आईलाइनर मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये बेला वोस्टी का स्केच आईलाइनर। ये मैंने purple.com से लिया था। इसका एक्चुअल प्राइस 399 रुपीज़ है, बट मैंने इसे 259 रुपीज़ में डिस्काउंट पे लिया है। आईलाइनर के आउटर पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये इस तरीके के ब्लैक कार्डबोर्ड पैक में पैक होकर आता है। शाइनी आउटर पैकेजिंग के साथ ये आता है। सो इसकी फर्स्ट साइड पर इसका नेम दिया हुआ है बेला वोस्टी, एंड यहाँ पर मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है। एंड इस साइड पर इसकी क्वांटिटी दी हुई है जो कि 1 ml की क्वांटिटी में आता है ये। एंड सेकेंड साइड पर इसके सारे इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं। एंड थर्ड साइड पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दी गई हुई है। एंड फोर्थ साइड पर इसके क्लेम्स और फीचर्स दिए हुए हैं जो कि मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी। सो द क्लेम्स आर वाटर रेसिस्टेंट, क्विक ड्राइंग, नो ट्रांसफ़र, नो रनिंग, इंटेंस एंड एक्सेलेंट कलर पे ऑफ, स्मच प्रूफ, फेड प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग अप टू 14 आवर्स, इवन एंड प्लेफुल, अल्ट्रा फाइनिंग लाइनिंग, कम्स ऑफ इजिली विदाउट अ ट्रेस, डर्मोटोलॉजिकली एंड ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड, कन्फर्म अस यूरोपियन एंड जापानीज रेगुलेशंस, नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑन दी वाटर लाइन। लाइक जहाँ पर आप काजल लगाते हैं वहाँ पर इसे लगाना नहीं है, वाटर लाइन पर यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसकी इनर पैकेजिंग भी देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके के स्केच आईलाइनर में आता है। यहाँ पर इसके पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दी हुई है एंड इस पर इसकी एक्सपायरी डेट भी दी हुई है। अगर आपके पास आउटर पैकेजिंग नहीं भी रही तो आप इस पर इसकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। सो ये मैन्युफैक्चर हुआ है 2018 में एंड इसकी एक्सपायरी डेट है 2021। तो ये कुछ इस तरीके के फिल टिप लाइनर में आता है। मैं इस आईलाइनर को अपने हाथ पर अप्लाई कर आपको बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक आईलाइनर है एंड इसकी टिप भी बहुत अच्छी है। आप इससे अपना थिन से थिन आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऊपर की इसकी टिप देख सकते हैं कितनी थिन है। एंड ये जस्ट सिंगल स्ट्रोक में बहुत ही अच्छा पिगमेंट देता है। ये हाईली पिगमेंटेड एंड जेट ब्लैक आईलाइनर है। हम इसे 1 मिनट देंगे ड्राई होने के लिए एंड 1 मिनट बाद देख लेते हैं कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये अब ड्राई हो चुका है। अब हम देख लेते हैं स्मच प्रूफ है या नहीं। मैं इसे अपने फिंगर से रब करूँगी। देखिए बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रहा है एंड ये मेरी फिंगर पर भी बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये 100% स्मच प्रूफ है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका एक वाटर टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं कि ये वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं। मैं अब इस पर थोड़ा सा वाटर डालूंगी। यस फ्रेंड्स, इट्स अ वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको वाटरप्रूफ एंड वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर का डिफरेंस बता देती हूँ। हम फर्स्ट बात करते हैं वाटरप्रूफ आईलाइनर की। वाटरप्रूफ आईलाइनर वो होते हैं जब आप अपना आईलाइनर अप्लाई करने के बाद अगर उसे निकालना चाह रहे हो तो आपको कोई अच्छे से माइसेलर वाटर या नहीं तो कोई क्लिनसर की ज़रूरत पड़ती है वो निकालने के लिए। आप उस पर जस्ट वाटर डालकर रब करने से वो आईलाइनर्स नहीं निकलेंगे। वेरस वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर्स वो होते हैं जब आप अपने आईलाइनर पर थोड़ा सा वाटर डालकर अगर प्रेशर देकर रब करेंगे या नहीं तो कोई सोप यूज़ करेंगे तो वो ईजिली निकल जाएंगे। सो अब आपको वाटरप्रूफ एंड वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इस आईलाइनर के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही स्लीक पैकेजिंग में आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ ये स्मच प्रूफ है एंड हाईली पिगमेंटेड है। एंड थर्ड इज़ ये मैट फिनिश देता है। एंड
फोर्थ इज ये लॉन्ग लास्टिंग है, आपके आईज पर ये इजिली 5 to 6 hours रहेगा। फिफ्थ इज ये इसकी टिप बहुत ही अच्छी है, ये फेल्ट टिप लाइनर है, आप इससे अपना आईलाइनर थिन से थिन आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं इससे आप। कॉन्स की बात करें तो मुझे एक्चुअली इसमें कोई कॉन दिखे नहीं है, ये जिस जैसा वाटर असिस्टेंट क्लेम किया था ये वाटर असिस्टेंट है, इसने वाटर प्रूफ क्लेम नहीं किया एंड जस्ट वाटर असिस्टेंट क्लेम किया है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये आईलाइनर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, एंड डेली वेयर एंड पार्टी वेयर के लिए दोनों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बिगिनर हो और आपको अच्छे ब्रांड का आईलाइनर चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप इस आईलाइनर को यूज़ करिए, मैं आपको इसे रिकमेंड करती हूँ। इस आईलाइनर से आप अपना आईलाइनर बहुत ही अच्छे फ्लेक्सिबल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये 1 ml की क्वांटिटी में आता है, ये आपको लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड ये वीडियो को शेयर करिए, एंड अपनी फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप लोग। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।